एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा कण कण में समाये हुए उस परम ब्रह्म परमेश्वर का सबसे पहले हम ध्यान करें। सीधे होके बैठिए, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जने और अंगूठे को मिला के रखें, आंखों को बंद करें, बंद आंखों से मस्तक में ब्रह्म ज्योति को देखें, उसी ज्योति में से उठते हुए नाद ब्रह्म को सुने, आती जाती हुई सांस पर ध्यान दें, गहरी शांति का अनुभव करें। एक तो सच तेरा नाम सच्चा एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा हे आदि पुरुष परमात्मा तू एक है एको देवः। आकाश की तरह तू सर्वव्यापी है, सब में समाया हुआ है, अनंत असीम तुझसे ही असंख्य आत्माएं उत्पन्न होती हैं, जैसे समुद्र से लहरें और बहुत सी बूंदें उछलती हैं, अलग हो जाती हैं, ऐसे ही असंख्य आत्माएं हे प्रभु तुझसे उत्पन्न होती हैं, इस विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि में विचरण करती रहती हैं और अंत में तुझ में ही समा जाती हैं। उनका वो तुझ में समाना ही मोक्ष और निर्वाण कहा जाता है। ऋग्वेद के ऋषि वैदिक छंदों का गायन करते हुए
कहते हैं। ओम ब्र बदुक्थम हवामहे स्र प्रकर इस नम उतये। हे हमारे आराध्य, हे विशाल भुजाओं वाले, तुझको हम रात दिन पुकारते हैं। विशाल भुजाओं से मतलब है तू जहां भी हम हैं वहां हमारी मदद के लिए उपस्थित हो जाता है, या किसी को हमारी मदद के लिए भेज देता है। तेरी बाहें बहुत लंबी हैं, तेरे हाथ बहुत बड़े हैं। तू देता है तो देता ही रहता है, ना तेरे देने को लोग जानते हैं। और जब तू सृष्टि को समेटने में आता है तो सबको अपने भीतर समेट लेता है। साधु कृणवंतम वसे, तू ही हमारी रक्षा करता है, कल्याण करता है। तुझ जैसा दूसरा हमारा कोई हितैषी, कोई कल्याण करने वाला और हमारा मित्र नहीं है। तू ही हमें मार्ग दिखाता है, कठिन रास्तों से निकाल कर हमें सुंदर झील उपवन फूलों की तरफ ले जाता है। जीवन के भयावह रास्तों से तू हमें बचाकर अपने अनंत सौंदर्य की तरफ ले जाता है, जिस तरफ दिव्य शांत आत्मा वाले पुरुष तेरी स्तुति करते हुए जाते हैं। ओम गुह्यता गुह्यम, रहस्यों के भी रहस्य, इस अंधकार में ज्योति की तरह स्थित, इस शरीर में प्रकाशमान अंधेरी गुफा में एक जलते हुए दीपक की तरह, हे प्रभु, हे परमात्मा, तू मौन हुआ मेरी दुर्गति, मेरे आंसू, मेरी विवशता, मेरी व्याकुलताओं को देखता रहता है। और ये व्याकुलताएं कहां से प्रकट होती हैं? मन की संकीर्णता से, विचारों की संकीर्णता से, विराट सत्ता समुद्र जब एक बूंद के रूप में अपने को बहुत दूर ले जाता है, मनुष्य के शरीर में, पशु के शरीर में, देवता के शरीर में, शरीर कोई भी हो, जब वो अपने को सीमित कर लेता है तो जैसे सिंह पिंजरे में बंद हो गया, उड़ता हुआ पक्षी पिंजरे में बंद हो गया, अनंत परमात्मा जरा से शरीर में आके कुछ दिनों के लिए कैद हो गया, ऐसी स्थिति इस जीव आत्मा की हो जाती है। हे संपूर्ण विश्व के मित्र ज्योति पुरुष, मेरे हृदय की गुफा में तू प्रकाश को कर दे। ज्योतिषकर्ता यदुष्मसि, और ज्योति के भीतर भी एक आवरण है, पर्दा है रोशनी का, वो पर्दा हटा और वो ज
जरा सी ज्योति अनंत हो जाती है, असीम हो जाती है। सीमाओं को त्याग कर सर्वत्र सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा सब में सब जगह अपने को महसूस करने लगती है, तो ये मनुष्य दो नदियों के बीच में बसा हुआ है। एक ब्रह्म नदी ईश्वर की धारा और दूसरी जगत नदी नश्वरता की धारा। कभी ये ब्रह्म धारा में बहता है तो परम शांत ऋषि मुनियों जैसा सिद्ध पुरुषों जैसा बन जाता है थोड़े समय के लिए, और जब निम्नता में चिंतन उतरता है तो प्राण व्याकुल होने लगते हैं, भविष्य की चिंताएं गलाने लगती हैं, वर्तमान परिस्थितियां परेशान करने लगती हैं। इसलिए अपने ध्यान को अपने चिंतन को जो निरंतर उस ज्योतिर्मान ब्रह्म में बनाए रखते हैं वे उसी का रूप हो जाते हैं, और जो अधिकतर अपने ध्यान को चिंतन को इस कलह कलेश से भरे संसार की तरफ बहाते रहते हैं इसी को सोचते रहते हैं, इसी की बातें करते रहते हैं, वे मनुष्य शरीर में होते हुए भी पशु बुद्धि जैसे व्याकुल अशांत दुर्गति की तरफ भागे चले जाते हैं। हमारे प्राचीन ऋषिगण कहते हैं शिव संकल्प मस्तु, कम से कम अपने विचारों को पवित्र बना दो, तुम्हारे विचार कल्याणकारी हों, तुम उच्चता में ठहरो। वैसे भी आप देखो शहरों में चले जाओ, नीचे के जो मकान है उनमें प्रवेश करो, अजीब सी गंध दुर्गंध उन मकानों में दिखाई देती है, और कहीं पहाड़ पर चले जाओ नदी बह रही है, झील है, आकाश में बादल तैर रहे हैं, खुले वायुमंडल में चले जाओ, अपने आप मन उस परम सत्ता को महसूस करने लगता है। सब कुछ खुला खुला अच्छा अच्छा महसूस होने लगता है। ये ही हमारे जीवन में घटित होता है। विचारों की संकीर्णता, विचारों की निम्नता हमें व्याकुल और व्यथित किए रहती है, और जब हमारे प्राण ब्रह्म आकाश में उड़ते हैं तो जैसे ईश्वर के मोक्ष धाम में हमारा मुक्त विचरण होता रहता है। बसा हुआ है
आदमी कभी ब्रह्मधारा में बहता कभी गिरता कलेश में आदमी। कभी ब्रह्म धारा में बहता कभी गिरता कलेश में आदमी। कभी ब्रह्म धारा में बहता कभी गिरता कलेश में आदमी। हो तो नदियों के बीच में हम मनुष्यों के दो शरीर हैं, एक भौतिक जो दिखाई देता है, एक आध्यात्मिक जो इसको चला रहा है पर दिखाई नहीं देता। बैटरी अंदर बैटरी लगी हुई है, डाउन होती चली जाती तो हम बीमार होते चले जाते, बिल्कुल खत्म हो जाती है तो खेल खत्म। दो शरीर हैं हम लोगों के। ये जो भौतिक शरीर है इसमें गंध गदोल उठती रहती है, विचार अशांति व्याकुलता उठती रहती है, और दूसरा शरीर ज्योतिर्मान सात्विक शरीर है। उस स्थल पर जब हमारी आत्मा होती है तो हम अपने आप को महापवित्र ऋषि मुनियों जैसा स्वच्छ शांत निर्मल शुद्ध बुद्ध चैतन्य शिव रूप अपने को पाते हैं। निरंजनो अहम शिवो अहम ईश्वरो अहम, उस ज्योतिर्मान शरीर में पहुंचकर उस स्तर पर जब ये आत्मा खड़ी होती है खुद ही ईश्वर है, खुद ही निरंजन है, खुद ही शिव है। सो अहम वो परम तत्व तद ब्रह्माहम वो परम ब्रह्म ये ही है। दो शरीर हैं हम सबके, एक भौतिक एक आध्यात्मिक है। दो शरीर हैं हम सबके,
एक भौतिक एक आध्यात्मिक है, दो शरीर हैं हम सबके, एक भौतिक एक आध्यात्मिक है, दो शरीर है हम सबके, एक भौतिक एक आध्यात्मिक है, एक में गंध गदोल उठे, एक में ज्योति सात्विक है, एक में गंध गदोल उठे, एक में ज्योति सात्विक है, हो दो नदियों के बीच में बसा हुआ है आदमी, बीच में बसा हुआ है आदमी, कभी ब्रह्म धारा में बहता कभी गिरता कलेश में आदमी, कभी ब्रह्म धारा में बहता कभी गिरता कलेश में आदमी, दो नदियों के बीच में, दो नदियों के बीच में, जैसी जिंदगी में मुझको परम पुरुष मिले, सपने 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 में सूरज चंदा मुझसे गले आके मिले, सपने में सूरज चंदा मुझसे गले आके मिले, ओ दो नदियों के बीच में बसा हुआ है आदमी, बीच में बसा हुआ है आदमी, कभी ब्रह्म धारा में बहता कभी गिरता कलेश में आदमी, कभी ब्रह्म धारा में बहता कभी गिरता कलेश में आदमी, दो नदियों के बीच में, दो नदियों के बीच में,
सपना सपना हम देखते हैं। सपना देखते वक्त हमें ऐसा नहीं लगता कि हम सोए हैं और झूठ मूठ की बातें देख रहे हैं। उस समय वो हमें हकीकत जान पड़ती है। सोते हुए हम सपना देखते हैं और जागते हुए जो देख रहे हैं ये भी जागती आंखों का सपना है और हमें वास्तविक जैसा लगता है। जबकि सोई अवस्था का सपना भी सत्य नहीं और जागृत आंखों का देखा हुआ सपना भी सत्य नहीं, बस सच जैसा लगता है, महसूस होता है और उसी में हम निमग्न हो जाते हैं। कभी खुशी से झूमने लगते हैं, कभी इतने परेशान हो जाते हैं कि पूछिए मत। सपने में चले आंधियां, मन व्याकुल होने लगा। सपने में चले आंधियां, मन व्याकुल होने लगा। सपने में चले आंधियां, मन व्याकुल होने लगा। सपने में चले आंधिया, मन व्याकुल होने लगा। कोई मुझसे प्यार करे और कोई चिढ़ने लगा। कोई मुझसे प्यार करे और कोई चिढ़ने लगा। बसा हुआ है आदमी, दो नदियों के बीच में बसा हुआ है आदमी। कभी ब्रह्म धारा में बहता, कभी गिरता कलेश में आदमी। कभी ब्रह्म धारा में बहता, कभी गिरता कलेश में आदमी। दो नदियों के बीच में, दो नदियों के बीच में। जिसको कभी देखा नहीं है उसका नाम परमात्मा। 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 जगत के झूठे प्यार में तड़पे मेरी आत्मा। जगत के झूठे प्यार में तड़पे मेरी आत्मा।
बसा हुआ है आत्में, दो नदियों के बीच में बसा हुआ है आदमी। कभी ब्रह्म धारा में बहता, कभी गिरता कलेश में आदमी। कभी ब्रह्म धारा में बहता, कभी गिरता कलेश में आदमी। दो नदियों के बीच में, दो नदियों के बीच में। परमेश्वर, मन से उठी वासनाओं के कोहरे में मेरी आत्मा का चंद्रमा छुप गया है। दुनिया का शोर शराबा इतना अधिक है कि मैं तेरे देव गीतों की धुनों को भूल गया हूं। कान पर इतना शोर शोर कलह कलरव होता रहता है। इस शोर में कैसे हे प्रभु तेरे देव गीतों को मैं गाऊं? वो शोर मुझे भ्रमित करता रहता है। वासनाओं के कोहरे में मेरा चांद छिप गया, वासनाओं के कोहरे में मेरा चांद छिप गया। वासनाओं के कोहरे में मेरा चांद छिप गया, वासनाओं के कोहरे में मेरा चांद छिप गया। दुनिया के शोर शराबे में देव गीत मेरा खो गया, दुनिया के शोर शराबे में देव गीत मेरा खो गया। हो दो नदियों के बीच में बसा हुआ है आदमी, दो नदियों के बीच हुआ है आदमी। कभी ब्रह्म धारा में बहता, कभी गिरता कलेश में आदमी। कभी ब्रह्म धारा में बहता, कभी गिरता कलेश में आदमी। तो नदियों के बीच में, नदियों के बीच में। जिसका तन मन बीमार है वो प्रेत सा बन जाता है, जिसका तन मन बीमार है वो
प्रेत सा बन जाता है, जिसका तन मन बीमार है वो प्रेत सा बन जाता है, जिसका तन मन बीमार है वो प्रेत सा बन जाता है, जिसका चिंतन ठीक नहीं उजड़ चमन सा बन जाता है, जिसका चिंतन ठीक नहीं उजड़ चमन सा बन जाता है, ओ हुआ है आदमी, दो नदियों के बीच में बसा हुआ है आदमी, कभी ब्रह्मधारा में बहता कभी गिरता कलेश में आदमी, कभी ब्रह्मधारा में बहता कभी गिरता कलेश में आदमी, दो नदियों के बीच में, दो नदियों के बीच में, हमारा मन शीशे की तरह है, बहुत बड़ा शीशा है, उसके सामने भैंस को ले जाके खड़ा कर दो, शीशे में भैंस दिखने लगेगी, उसको हटाओ फिर एक कबूतर ले जाके वहां बैठा दो, शीशे में कबूतर दिखने लगेगा, शीशे के सामने एक देवता को खड़ा कर दो, शीशे में देवता चमकने लगेगा, कौवा कछुआ मनुष्य वृक्ष फल कुछ भी, शीशे के सामने जो हम रखेंगे शीशे में वो चमकने लगता है, हमारा मन शीशे की तरह है, इस शीशे के सन्मुख जो खड़ा होता है उसी की परछाई शीशे में पड़ती है, जिन लोगों के संपर्क में हम आते हैं उनका पूरा पूरा प्रभाव हमारे हृदय के तल पर पड़ता है, शीशे पर पड़ता है, सत्पुरुषों के संग हमारा निवास हो, ऋषि मुनियों के संग हमारा निवास हो, मान लीजिए हम ये कोलाहल छोड़ के महादेव शिव की गुफाओं में उनके चरणों में जाके रहने लगे, बर्तन मांजने लगे, उनके जूठे दाल चावल खाने लगे, तो उन्हीं का अक्स उन्हीं की परछाई उन्हीं के विचार उन्हीं की वाणी उन्हीं का जीवन उन्हीं जैसा हमारे मन का शीशा आत्मा का शीशा हो जाएगा और हम उन्हीं जैसे बन जाएंगे। यदि हम दुष्ट लोगों में निंदकों में बुराई ढूंढने वालों में पशु जैसे स्वभाव वालों में अहंकारी क्रोधी दुर्बुद्धि लोगों के बीच में रात दिन रहने लगे, उनकी सेवा करने लगे, उनके झूठे बर्तन मांजने लगे, उनके झूठे दाल चावल खाने लगे, तो हमारी बुद्धि हमारा चिंतन
हमारा जीवन भी दुष्टता से, निम्नता से, मलिनता से भर जाएगा। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, यदि तुम मोक्ष चाहते हो तो मुक्त आत्माओं के संग निवास करो। कितने लोग घर बार छोड़ के ऋषि मुनियों में चले गए और ऋषि मुनि बन गए, पर वहां भी कैसे ऋषि मुनि हो जो संसार की वार्ता ना करते हो, ग्रामीण भद्दी कथाएं ना कहते हो। ऐसे ऋषि जो अपने मुख को खोलें तो केवल ब्रह्म वचन बोलने के लिए अपने मुख को खोलें, अन्यथा मौन है, ध्यानस्थ है, मंत्र जप रहे हैं। ऐसे ऋषि केवल नामचार के नहीं, तन उजला मन काला बगले जैसा भेष, इससे तो कागा बला जो बाहर भीतर एक। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे हमारे कर्म होते हैं। सत्पुरुषों की संगति, सच्चे ऋषियों की संगति, सोहबत, जो ब्रह्म विचार ब्रह्म वाणी के अलावा कोई वाणी दूसरी ना बोलते हो, ऐसे लोगों की संगति, शिव जैसे ऋषियों की संगति जब हमें प्राप्त होती है, एक जन्म में हम उन जैसे बन जाते हैं। और उसमें हमारा अपना प्रयास भी होना चाहिए। कोई चोर है और साधुओं में चला गया और वहां भी चोरी को ना छोड़े, मीठे के पहाड़ पर पहुंच गए और वहां भी नमक की डली दांतों के बीच दबाई है और कहे क्या रखा है यहां, इस पहाड़ में कुछ नहीं, ये मीठा कहां है, जैसा मेरा नमक का पहाड़ था ऐसा ही ये है। क्यों? उसने मीठे को चखा नहीं और नमक की डली अपने दांतों में से निकाली नहीं। इसलिए लोग अध्यात्म को, परमात्मा के रास्ते को, सत्पुरुषों को बेकार बता के एक तरफ को चले जाते हैं। और जो स्वर्ण है वो तो स्वर्ण ही रहता है और जो पीतल है वो पीतल ही रहता है। शीशे के सामने जो खड़ा शीशे में वो ही दिखता है। अपने हृदय में हम भैंस को बसाना चाहते हैं या शिव को बसाना चाहते हैं, शिव जैसे दिव्य पुरुषों की छाया को हम अपने अंतःकरण में रखना चाहते हैं, ये हमारी बुद्धि पर, हमारे विचारों पर, हमारे चिंतन पर निर्भर करता है। और जैसा हमारा चिंतन होता है, जैसा हम बनना चाहते हैं वैसे ही हम बन भी जाते हैं। शीशे के सामने जो खड़ा शीशे में वो ही दिखता, शीशे के सामने जो खड़ा शीशे में वो ही दिखता, शीशे के सामने जो खड़ा शीशे में वो ही दिखता, शीशे के सामने जो खड़ा शीशे में वो ही दिखता, जैसे जिसके विचार हैं वैसा ही वो बनने लगता, जैसे जिसके विचार हैं वैसा ही वो बनने लगता। ओ दो नदियों के बीच में
बसा हुआ है आदमी दो नदियों के बीच में बसा हुआ है आदमी कभी ब्रह्मधारा में बहता कभी गिरता कलेश में आदमी कभी ब्रह्मधारा में बहता कभी गिरता कलेश में आदमी दो नदियों के बीच में दो नदियों के बीच में चारों तरफ फैला है कूड़ा कैसे साफ करोगे चारों तरफ फैला है कूड़ा कैसे साफ करोगे कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ सोना कूड़ चांदी कूड़ पहनन हार सोना चांदी ये भी कूड़ा है पहनने वाले भी कूड़ मगज हैं राजा और प्रजा भी कूड़ा ही कूड़ा है दिमाग में कूड़ा है कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ सोना कूड़ चांदी कूड़ पहनन हार किस से कीजे दोस्ती सब जग चलन हार इधर भी कूड़ नीचे कूड़ ऊपर कूड़ नानक बखाने बेनती प्रभ तेरे बिन सब कूड़ ही कूड़ कूड़ा ही कूड़ा है यदि उसका चिंतन उस प्रभु का ध्यान हमारे हृदय में नहीं जीवन में नहीं तो समझ लीजिए हमारी आत्मा कूड़े में दबी हुई है चारों तरफ फैला है कूड़ा कैसे साफ करोगे चारों तरफ फैला है कूड़ा कैसे साफ करोगे जो कूड़ा है मन के भीतर कैसे सुगंध भरोगे जो कूड़ा है मन के भीतर कैसे सुगंध भरोगे दो नदियों के बीच में बसा हुआ है आदमी दो नदियों के बीच में बसा हुआ है आदमी कभी ब्रह्मधारा में बहता कभी गिरता कलेश में आदमी कभी ब्रह्मधारा में बहता कभी गिरता कलेश में आदमी दो नदियों के बीच में नदियों के बीच में
सोचो सोचो इस संसार में किस लिए तुम आए। किसी ने घर में, किसी ने तपोवन में देव गीत गाए। कुछ लोग तपोवन में गए और वहां भी उन्होंने देव गीत, ईश्वर का गीत नहीं गाया, दुनिया का गीता गाते रहे, बुरी बुरी बातों को गाते रहे, संसार की कथाओं का गायन करते रहे। और कुछ लोग घर में बैठे वहीं उस परमात्मा के गीत को गाया उन्होंने, जैसे कबीर, रविदास, गुरु नानक, धन्ना जाट, उन्होंने घर बैठे, किसी आश्रम में नहीं गए, घर बैठे प्रभु पाया। क्यों? उनकी आत्मा में प्रकाश था, उनकी आत्मा में उस परम पुरुष के लिए प्यार था। उन्होंने घर में बैठ के ही पा लिया, तपोवन जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और बहुत से तपोवन में गए, तपोवन को भी गंदा करके घर को भाग गए। जिनको ईश्वर का गीत गाना है, उसके प्रेम का गीत गाना है, वो कहीं भी रास्ते में चलते हुए, घर में बैठे हुए, किसी दूसरे के घर में कहीं भी गा लेंगे। और जिन्हें नहीं गाना, वे चाहे कहीं भी पहुंच जाएं, उन्हें तो अपने ही गीते गाने, अपने गीते गाएंगे, दूसरों के मन बुद्धि को भी सड़ा के रख देंगे। ऐसे लोग भी संसार में हैं, तमोगुणी, और ऐसे भी हैं सतोगुणी, जिनके गीतों को सुनकर, जिनके विचारों को सुनकर बुरे से बुरे लोग भी निर्मल आत्मा बन जाते हैं। सोचो इस संसार में किस लिए तुम आए। सोचो इस संसार में किस लिए तुम आए। किसी ने घर में, किसी ने तपोवन में देव गीत गाए। किसी ने घर में, किसी ने तपोवन में देव गीत गाए। दो नदियों के बीच में बसा हुआ है आदमी। दो नदियों के बीच में बसा हुआ है आदमी। कभी ब्रह्म धारा में बहता, कभी गिरता कलेश में आदमी। कभी ब्रह्म धारा में बहता, कभी गिरता कलेश में आदमी। दो नदियों के बीच में, दो नदियों के बीच में। कहते हृदय में दीप जलाओ। फूल संदे वाले बाबा कहते हृदय में दीप जलाओ। आज दीपों का उत्सव है,
कई दिन से हम लोग दीपक जला रहे हैं, धनतेरस में भी, छोटी दिवाली में भी, आज सिद्ध रात्रि, कार्तिक अमावस्या। ये अमावस्या संसार में है और हमारे हृदय में भी अंधकार। हमारे कई देवता पूछ रहे थे, हम लोग जो सत्संगी हैं, हम कैसे दिवाली मनाएं? उसका उत्तर है ये, बाहर तो हमें दीपक जलाने ही हैं, उत्सव है, त्योहार है, किंतु अपने हृदय में, अंतःकरण में जो हमारी आत्म ज्योति है, अंतर ज्योति हमारी प्रखर हो, ज्योतिर्मान हो, इस प्रकार हम इस दीप उत्सव को मनाएं। फुल संदे वाले बाबा कहते हृदय में दीप जला हो, फुल संदे वाले बाबा कहते हृदय में दीप जलाओ। सोया है तीन लोक का स्वामी, जाके उसे जगाओ। सोया है तीन लोक का स्वामी, जाके उसे को जगाओ। वो तीन लोक का स्वामी कहाँ सोया है? ये नहीं कि यहाँ से चल के मुजफ्फरनगर ढूंढने चले जाओ, मुजफ्फरनगर में नहीं मिला भाई, अब पीलीभीत चले जाओ, नहीं, या कोई आसमान में सीढ़ी लगा के चढ़ने लगे, कहीं उसका पता मिलेगा नहीं, वो तो हमारी ही अंतरात्मा में है। अपनी ही आत्मा की तरफ, हृदय की तरफ हमें झांक के देखना पड़ेगा, कहीं झिलमिल झिलमिल होवत है, वो तो ओढ़ चदरिया सोवत है। सतगुरु के भेष में तीन लोक का मालिक सोवत है। फुल संदे वाले बाबा कहते हृदय में दीप जलाओ, फुल संदे वाले बाबा कहते हृदय में दीप जलाओ। सोया है तीन लोक का स्वामी, जाके उसे जगाओ। तीन लोक का स्वामी, जाके उसे जगाओ। दो नदियों के बीच में बसा हुआ है आदमी, बीच में बसा हुआ है आदमी। कभी ब्रह्म धारा में बहता, कभी गिरता कलेश में आदमी। कभी ब्रह्म धारा में बहता, कभी गिरता कलेश में आदमी। दो नदियों के बीच में, दो नदियों के बीच में एक तू सच्चा,
तेरा नाम सच्चा, एक ही तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे ज्योति पुरुष तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे ज्योति पुरुष तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, परमात्मा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, परमात्मा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे ज्योति पुरुष तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे ज्योति पुरुष तेरा नाम सच्चा, एक तू एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा है परमात्मा। ऋग्वेद के ऋषि कह रहे हैं, ओम गुह्यता गुह्यम, रहस्यों के भी परम रहस्य, तमोवियात विश्वमत्रिणम, संपूर्ण विश्व में फैले हुए सर्वव्यापी हे ज्योति पुरुष, मेरे हृदय की गुफा में, मेरे प्राणों में जो अंधकार छाया हुआ है, उस अंधकार को तू प्रकाश में बदल दे। ज्योतिषकर्ता यदुषमसी, प्रकाश में ज्योति और ज्योति में भी एक रोशनी का आवरण है, पर्दा है, सूर्य उस परमात्मा की ज्योति पर, इस ज्योति के ऊपर भी ज्योति यानी रोशनी के पर्दे पड़े हैं, लाखों पर्दे रोशनी के, आसमान के लाखों पर्दे, आसमान के जहां पे बले चिराग, अद्भुत नूर का तखत बिछा, जहां साहिब रहे विराज, हजारों रोशनी के पर्दों के भीतर वो ज्योतिर्पुरुष हमारी ही आत्मा में छुपा हुआ है। इस परम सत्य का मुख रोशनी से ढका हुआ है, वो स्वयं ही अपने मुख से रोशनी का पर्दा हटाए तो उसका दीदार संभव है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा,